राजस्थान के श्रीगंगानगर में युद्धाभ्यास से लौटते समय हादसे में ही जवान की मौत हो गई, जिसके बाद जवान का पार्थिव शव पैतृक गांव उदीहीन बुजुर्ग पहुंचा। वहीं पार्थिव शव पहुंचने पर गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इस दौरान शहीद जवान के अंतिम संस्कार में शामिल होने सराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल समेत हजारों लोग पहुंचे। वहीं विधायक ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मृतक फौजी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। उन्होंने कहा कि फौजी के शहीद होने पर भारत सरकार के अलावा जो भी मदद होगी उसके अलावा राज्य सरकार से मदद मिलेगी, और इसके साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि शहीद की शहादत को किसी भी तरीके से बेकार नहीं होने दिया जाएगा, उसकी शहादत को जनपदवासी याद रखे। इसके लिए गांव में शहीद के नाम से एक पार्क और गांव के मुख्य मार्ग पर शहीद द्वार बनवाया जाएगा, जिसके बाद मृतक फौजी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आपको बता दें कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुए हादसे में जवान की मौत हो गई थी। जब मेरा बेटा पंजाब भटिंडा में पोस्ट रहे, उसके बाद युद्धाभ्यास एक्सरसाइज राजस्थान में गए हुए थे, वहीं पर हादसा होने के कारण, गाड़ी पलट जाने के कारण हादसा हुई। हादसे में वीर को शहीद हो गए। हमारे क्षेत्र का उदीन बुजुर्ग का एक जवान था, श्री गंगानगर में ट्रेनिंग पे वो था, और ट्रेनिंग करके जब जिप्सी में सवार होकर करीब 6 जवान आ रहे थे, तभी हादसा हो गया। और हादसा होने के बाद जब पलटी जिप्सी तो उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद 3 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं, वीरगत को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद एक जवान अपने सिराथू का था, उदीन बुजुर्ग का, जिसका अंतिम संस्कार आज हो रहा है।